नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पश्चिम बंगाल में उपस्थित चाय के बागान और अपने सुंदर सुंदर हिल स्टेशनों के लिए फेमस दार्जिलिंग की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि दार्जिलिंग कब जाएं, दार्जिलिंग जाने का बेस्ट सीजन कौन सा होता है और दार्जिलिंग हम कैसे पहुँचें तथा हमारा कुल खर्चा कितना आएगा। तो आज की पूरी वीडियो में हम दार्जिलिंग के गाइड के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने टूर की तरफ। दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक हिल स्टेशन है और ये हमारे पड़ोसी भूटान नेपाल जैसे देशों से भी सटा हुआ है। दोस्तों जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिशियस के समय से ही दार्जिलिंग अपने हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेसों के लिए जाना जाता है। दोस्तों दार्जिलिंग में यूँ तो घूमने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर दार्जिलिंग पूरे विश्व में फेमस है तो अपने दो चीजों के लिए। एक तो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक कंचनजंगा पहाड़ी का व्यूज और दूसरा यहाँ के चाय के बागानों के लिए। दोस्तों दार्जिलिंग में बहुत ही अधिक मात्रा में चाय की खेती और उसका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी दार्जिलिंग पूरे दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों अगर आप दार्जिलिंग का टूर बना रहे हैं या टूर बना चुके हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम दार्जिलिंग कैसे पहुँचे। दोस्तों अगर हम बात करें कि दार्जिलिंग हम ट्रेन से कैसे पहुँचे, तो दार्जिलिंग के नजदीकी स्टेशन का नाम न्यू जलपाईगुड़ी है। दोस्तों इस जंक्शन पर उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ से जाने वाली सभी ट्रेनें लगभग आती हैं। दोस्तों आपको न्यू दिल्ली स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। आप मुंबई कोलकाता से भी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पा सकते हो। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। दोस्तों रेलवे स्टेशन से आप शेयरिंग टैक्सी करके या बस से 2 से 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंच सकते हो। बात करें वहां के फेयर की, अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हो तो 400 से 500 रुपए में आप शेयरिंग टैक्सी करके दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हो। दोस्तों अगर आप एक बजट ट्रेवलर हो या सबसे सस्ते में और आसान तरीके से दार्जिलिंग घूमना चाहते हो तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना पड़ेगा। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग के लिए बहुत सारी बसें जाती हैं और इनका किराया 150 से 200 के बीच में होता है, जो आपको 2 से 2.5 घंटे में दार्जिलिंग छोड़ देगी। दोस्तों अगर हम बात करें फ्लाइट से, अगर आप जहाज से दार्जिलिंग घूमना चाहते हो तो दार्जिलिंग के नजदीकी एयरपोर्ट का नाम बागडोगरा है। यह एयरपोर्ट दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जहां से आप कैब या पर्सनल गाड़ी बुक करके 3 घंटे के सफर के बाद दार्जिलिंग पहुंच सकते हो। दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन है दार्जिलिंग पहुंचने का, जो कि है हिमालयन टॉय ट्रेन। अगर आप टॉय ट्रेन का सफर लेना चाहते हो तो आप इसके द्वारा भी दार्जिलिंग पहुँच सकते हो। दोस्तों यह टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास में सुबह 10 बजे से मिलेगी, जो कि आपको एक लंबे समय के बाद शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच में आपको दार्जिलिंग छोड़ेगी। इतना लंबा सफर अगर आप तय करना चाहते हो तो आप टॉय ट्रेन का सहारा ले सकते हो। दोस्तों समय तो बहुत लंबा लगता है टॉय ट्रेन से जाने में, लेकिन इतने लंबे समय में टॉय ट्रेन से जाने से आपको दार्जिलिंग की खूबसूरती बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। तो अगर आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हो तो आप पहले से ही IRCTC ऐप से अपना टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों दार्जिलिंग पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको होटल देखना है, क्योंकि इतने थके होने के बाद आप पहुंच के तुरंत कहीं नहीं घूम सकते हो। दोस्तों दार्जिलिंग में आपको लो बजट से लेके हाई बजट तक होटल्स, रिजॉर्ट्स और बैकपैकर्स के लिए हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें होटल के ठहरने के किराया का, तो आपको 600 रुपए से लेके 5000 तक लग्जरियस होटल मिल जाएंगे। तो आपका बजट जैसे है आप वैसे होटल ले सकते हो। दोस्तों एक बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको होटल माल रोड या गांधी रोड पे ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट और खाने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मेन डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम दार्जिलिंग घूमने आए हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम घूमने की, तो यहाँ पर आप घूमने के लिए अपना खुद के टैक्सी को बुक कर सकते हो, जो कि आपको घंटा घर में मिलेगी। घंटा घर आपका मॉल रोड के पास में ही है, इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि आप अपने होटल को मॉल रोड के पास में ही लें, क्योंकि वहां से सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों टैक्सी वाला आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए तक को चार्ज करता है और आपको
6 से 7 किलोमीटर के रेंज में 8 से 12 टूरिस्ट प्लेसों को आपको घुमाएगा। शाम को फिर आपको मॉल रोड पे आकर छोड़ देगा दोस्तों। उसके बाद आप 2 से 3 दिन के लिए अपना दार्जिलिंग प्लान को और बनाएं, क्योंकि 2 से 3 दिन में आप दार्जिलिंग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी के रेंज में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर आप घूम सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दार्जिलिंग में हमें अब कहां कहां घूमना चाहिए। और हमारे पहले नंबर पे है टाइगर हिल। दार्जिलिंग से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टाइगर हिल कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई से आप दार्जिलिंग के पूरे खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। दोस्तों टाइगर हिल को दार्जिलिंग के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है। सो अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हो तो पहले नंबर पे आप टाइगर हिल्स को जरूर रखिए। टाइगर हिल्स टूरिस्टों में वहाँ के सनराइज को देखने के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर सुबह का सनराइज देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ लगती है। सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ियों के बीच कंचनजंगा की ऊंची ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो कंचनजंगा का रंग सफेद से गुलाबी और लाल हो जाती है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर सभी टूरिस्ट आते हैं। और हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है बतासिया लूप। बतासिया लूप दार्जिलिंग में उपस्थित एक विशाल रेलवे ट्रैक लूप है। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ों के घुमावदार रास्तों को काट के रेलवे ट्रैक को बिछाया गया है, जिसपे से टॉय ट्रेन गुजरती है। इस स्थान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सुंदर सा बागान बनाया गया है, जहाँ पर दुनिया के विभिन्न प्रकार के फूल पेड़ पौधों को भी लगाया गया है, ताकि यहाँ की खूबसूरती में और चार चांद लग जाए। दोस्तों बतासिया लूप के बीच में गोरखा सैनिकों के याद में एक मेमोरियल को भी बनाया गया है। टॉय ट्रेन भी अपनी यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुकती है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा टूरिस्ट प्लेस है रॉक गार्डन। दोस्तों रॉक गार्डन दार्जिलिंग का बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। पहाड़ों और चट्टानों को काट के बनाए जाने की वजह से ही इसे रॉक गार्डन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो इस जगह को और भी खूबसूरत और मनमोहक बना देता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि आप रॉक गार्डन कैसे पहुँच सकते हो, तो दार्जिलिंग के माल रोड से यहाँ की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। आप टैक्सी या अपने पर्सनल गाड़ी से यहाँ पर आ सकते हो। चौथे नंबर पे है घूम मोनेस्ट्री। रॉक गार्डन घूमने के बाद आप घूम मोनेस्ट्री जा सकते हो। बात की जाए यहाँ की दूरी की, तो शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर घूम मोनेस्ट्री स्थित है। यहाँ पर बौद्धों का बहुत पुराना मठ है। दोस्तों यहाँ पर स्थित घूमकर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इसी वजह से यह दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर है ऑब्जर्वेटरी हिल्स। दार्जिलिंग की सबसे खूबसूरत ऑब्जर्वेटरी हिल्स मॉल रोड के पास में ही है। दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप दार्जिलिंग आए हो तो अपने ट्रिप में इस स्थान को जरूर शामिल करो। यकीन मानिए यहाँ पर जाने पर आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। दोस्तों नंबर 6 में हम शामिल करेंगे दार्जिलिंग रोपवे। दोस्तों दार्जिलिंग का रोपवे पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जितने भी पर्यटक दार्जिलिंग घूमने आते हैं वो यहाँ के रोपवे का आनंद जरूर उठाते हैं। रोपवे पर यात्रा करने वाले सैलानी यहाँ के हरे हरे चाय के बगानों और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हैं। नंबर 7 में आता है हैप्पी टी वैली। दोस्तों अगर आप दार्जिलिंग आए और चाय के बागानों को नहीं घूमे तो आप दार्जिलिंग क्या घूमे। दार्जिलिंग अपने स्वादिष्ट चाय की पत्तियों के लिए पूरे दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर पहुँचने पर आपको बहुत सारे लोकल्स गाइड मिल जाएंगे, जो कि आपको टी बागानों को घुमाने के लिए यहाँ पर हमेशा तत्पर रहते हैं। इन सब के अलावा दार्जिलिंग में और बहुत सारी खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे सिंगलीला नेशनल पार्क, तिस्ता और रेजेंट रिवर राफ्टिंग, दार्जिलिंग का वाइल्ड लाइफ जूलॉजिकल पार्क, नाइटिंगल पार्क और विक्टोरिया वाटरफॉल आदि। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दार्जिलिंग घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों के बीच का होता है। इस समय जब देश के अन्य भागों में चिलचिलाती धूप की गर्मी पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसी सीजन में यहाँ पर बहुत क्लाउड होता है और बहुत सारे टूरिस्ट इसी सीजन में आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप और ठंड का आनंद लेना चाहते हो,
तो नवंबर से दिसंबर के बीच में आप दार्जिलिंग आ सकते हो। लेकिन दोस्तों मानसून के समय यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है और बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड भी होती है, तो मैं कहूँगा आप मानसून के समय यहाँ पर ना आए। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं फिर से किसी नए सुंदर प्लेस पे, तब तक के लिए नमस्कार।